अरयन पूरणा तिरवा पाली के मैया रखले लाज हमारे और चिन त्रियन देहरी नहीं देखी मठ पे रची बधाइया करोरी विश्राम और पीछे भमर में नाब पड़ी है के जननी खे के लगाए दे पार अरे जो थे गाम के भोला मना हो वो पैसा ही करो रे तुम्हें और सुंदर सोई स्थान बनो है घंटा घनन घनन घन्नाए और के भोले आए जइयो के भोले आए जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी बाबा वो मैंने ले लई शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी हो भोले आई जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी हा बाबा आई जइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी तो भक्तो आज मैं वीर छंद आला में मछला हरड़ के और पथरीगढ़ का विकट संग्राम किस प्रकार हुआ तो आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रही हूं शास्त्री लता यादव तो आइए ए मारविक आपके बीच में आख्यान है किस प्रकार है अरे लगो महीना जब सावन को तो घर घर होई तीज त्योहार घर घर सखिया मंगल गावे गावे गजली और मलार और झूला पड़ गए हैं बागन में सोबाए कन पर नी जाए फूल रहे दरसाए इधर तो भक्तों महोबे में झूला पड़े हैं वो गोरी नवयुक्ति वीरांगनाएं झूल रही हैं उधर आला की धर्मपत्नी मछला अपने महल में है और अरे मछला पिछली रंग महल में पहुंची दिवला के ढिंग जाए और लई बिजनिया मोर पंख की ढोरन लगी प्यार हर साए और पाई लाग के निज सासु लिखे हो खुशी सबई भूली है मुख पे रही उदासी छाए
पुत्र वधु को व्याकुल होते हुए देखा तो पूछने लगी कि बेटी बात क्या है। तो मछला बोली, अरे तब ही मछला बोलन लागी हो, अरे तब ही मछला बोलन लागी जो पिंजरा में बोले लाल और कहा बतावे सासुल तुमको इस दम मेरो पुरो हवाल। और नौ लख बगिया में तुम अब ही मेरो झूला देव डलवाई और खुशी हमारी जो तुम चाहो मैया इतना देव करवाए। सन में देखन जाइए बाग बहार और आज्ञा मैया मोय तुम दे दियो तो हम जाय करें सिंगार। तो भक्तो कहा देखो इस बात सुन करके और मैया देवे अपनी बहु मछला से बोली, अरे कही सो कही अब मत बहिया इन बातन में पड़िए रार कह नाम लेते हरि तू बगिया को का मत काट दई करतार। अरे जल सिंह ज्वाला सिंह बेरी है सुन ले बात मेरी तो धरे ध्यान और जो कहूँ सूरज मल चढ़ी आई है तो हुई है समरक हो रघमशान। नाना प्रकार से देव कुमार अपनी बहु मछला को समझा रही है भक्तों। तो आंखों में आंसू भर के मछला अपनी सास से बोली, मैया सुनो, अरे हम तो झूलन बगिया चाहिए तुमको शापते समझाई और कौन सिंगनी कोर जन्मो है जो हमें चढ़ के लिए छिनाए। और इतना ही नहीं मैया सुनो, अरे उदल तिबर हजारी मेरे जिनकी जग जा हर दरबार है पीर मल्हारो सिर साबारो तो प्यारो बच्छराज को लाल। एक गर्भ नराजे काउ छत्रिन के बामन किला बजिए तलवारी और मैं भी छत्री की जाई हूँ मैया देव सोच बिसराए। कोई हिलकी बंद गई धीरे देवे की के जल कोर कोर हुई जाए। समझ गई देव कुमार कि अब बहु नहीं मानेगी, बांदी से कहा बहुत जल्दी जाओ और मेरे छोटे पुत्र उदल को बुलाकर के ला। तो भक्तो बांदी चली है, अरे बांदी चली दई आज महलन से लचकत जाते मधुरिया चाल चटक चुनरिया लटकत जाब तो दुतिया दबत पाए सो जाए। अरे उदल ना हर जहाँ पे बैठो कमर तुई झूले
तलवार। उदल के पास बांदी पहुंच गई और बोली, अरे तुम्हें बुलायो है मैया ने और महलन को हो बतैयार, और सुनत खबरिया पर ले हुए गई उदल महलन चले सितार। एकदम से देखा और जिस समय उदल अपनी माँ के देव कुमार के पास में महलों में पहुंचे और कहने लगे, माँ आज आपने इस समय मुझे क्यों बुला लिया, क्या बात है? एकदम से उदल की मैया देव कुमार ने उदल को छाती से लगा करके कहा, बेटा मेरी एक बात सुनो। क्या बोली? के धीर धरो मेरे उदल पुत्र, कि तोरी बहू कैसी जीव चलाई। और भौजी तुम्हारी मछल दे गिरी झूले बगिया रही अठे थाई, और हम पे जनिहारी चहू दिस से हट खम में झूलाते डलवाई। हम पे जनिहारी चहू दिस से हट खम में झूलाते डलवाई। ओ मानती नाए कहू विद से पाए जाए के बेटा थे वो समझाई। उदल समझ गए और कहा, भाभी झूलने के लिए रूठी है। कहा उदल अपनी माँ देव कुमार के महलों से निकल करके मछला के पास पहुंचे तो मछला ने जब उदल को देखा तो बैठने के लिए उचित आसन दिया और एकदम से बोली कि देवर सुनो, अरे महीना सावन को दिबरजी अल्लाह गो झूला बगिया में देव डल पाए, और नौलख बगिया में झूलोगी अब झूला तो देव डलवाए। अरे तब ही उदल के बोलन लागे, भावज कट गौ का ज्ञान तुम्हार, और सेज झूलनो नाए बगिया को नहीं जानो है हाल तुम्हारे। अरे चढ़िए भी थोड़ा के दिल्ली पालो लावे नौ लख फौज सजाए, करन में नाए भलाई बजे भूमि रे भूमि तलवार। अरे चंदन खम्मा भप जमंग पाए महलन झूला तो ते डलवाए, समरसी मिलेगी तुमको अब ये झूला हम ते डलवाए। उदल की बात सुनकर के मछला बोली कि देवर जी जरा होश में बात करो, और कहा अरे लहंगा पहनी तो लेव टांगन में
समय बैठ जाओ घूंघट मार। मैं देखूंगी पृथ्वी राज को धर के दिए बाई पीछते फार। और ऐसा ही नहीं देवर जी सुनो, और कोट पैंट बदल लो ना हमने दो अपनी पगड़ी धरो यो तारे। यार नारी हमारी बन के बैठो घर में बैठो तीवर हमारे। जब इतना कहा एकदम से मछला ने तो उतल की आंखें लाल हो गई और कहा भाभी क्या कहती हो सुनो। अरे ऐसी ही तो आप भैयों का बसे जो मैं बढ़ के दौए जवाब। फूल चमेली को नाए हम तोड़ो जब ढूंढे से ना मिलो गुलाब। हो रही ताप तीर लगवाए बिना लगुन और बिना टीका के चढ़ के साथ नहीं डरवाए। अरे जाकी अटिया के ऊंची देखी हो रही तो पतई गुने और बिना टीका के चढ़ के साथ लई डरवाए। मछला ने कहा कि देवर जी अगर इतने ही बहादुर हैं आप तो एक बात सुनो मेरी। अरे कब कब तीवर भई तलब परिया ना हक तुम तो बचाए रहे काल। याद भूल गए बामाड़ो की के करिया ने भकसी में लए तुम डारे। अरे नसन सबादी के तुम्हारी कस के तुम्हारे बांधे बुरे हवाल। फांसे घूसी नाकुनन में तब नाए देवर बजाए वकाल। और ऐसा ही नहीं भक्तों, क्या कहा मछला ने, एक दिन सुबिया नटनी ले गई देवर तुमको शुआ बनाए। धन की छाती जारे मछला की लाई सुबिया से लला छुड़वाए। तुम्हारी लई थी भमरिया डारे और अब मालूम होती के कमरुआ गड़ में जाके सभी भूले सान। उदल कहने लगे भाभी ऐसा मत कहो सुनो। अरे हमने चढ़ के गड़ माड़ो पे डट डट लाए थे बाप के दाव। मुड़ काट लो मैंने जंबे को ठाड़ो कोलू में दयो पिरवाए।
तू बंद रामेश्वर नो बाजी ताप किला बे प्यारे और ए तो बातें भबजे से बेकी अब है बगिया को होबो तैयार और ए तो बातें भबजय से बेटी के अब है बगिया को होबो तैयार तो भक्तों एकदम से मुस्करा करके मछला बोली के देवर जी जल्दी हम तैयार होते हैं लेकिन आप डुलिया को मंगाइए तो मछला तैयार हुई अरे डुलिया दीबर जलद सज बाबो मोए हाय बगिया में देव भिजवाए परदा पड़ गए दरियाई को शोभाए कनबर नी जाए और आगे डोला महारानी को पीछे सखिया चले तो भक्तो जिस समय मछला उदल के साथ बाग में झूलने के लिए पहुंची है तो क्या हुआ अरे पैरिन चलती हती पूरा भैया तो लो लौट पर पछियार और घूमट ओढ़ गए तोरे मछला तो कोंदा भयो स्वर्ग में जाए जैसे ही देखा लेकिन एक बात ध्यान रहे भक्तों कि जब मुसीबत का समय आता है तो उस समय पता नहीं कौन सी घड़ी दबकी आती है और उस समय सब भूल जाते हैं पता नहीं क्या होने वाला है क्या के दुख की आई जब ही ये घड़ी तब लक्ष्मण को बनसिया पठायो भिजुका रूप धरो लंकेशन को तो गया
औरोशिया हरी तो खती न महा और लता कहे जो ज्वाल जायो हरी दुखती न महाई और लता कहे माँ ज्वा बज जायो और के भैया होना हार पलवान कहानी जहाँ से नहीं बनी होनहार बलबान कहानी यहाँ से नई बनी यहाँ से नई बनी कहानी यहाँ से नई बनी हो भैया हाँ भैया हो भैया होनहार बलबान कहानी यहाँ से नई बनी भक्तों जिस समय उदल को मछला ने वन विहार के लिए भेजा तो उधर वो सुंदरी झूला पर झकोरा मारती है तो ऐसा लगता है मानो काले काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। तो भक्तों इधर तो मछला झूला पर झूल रही है उधर ज्वाला सिंह जैसे ही आ रहा तो उसके सर पे शनिचर सवार हो गया। पथरीगढ़ का राजा है और अरे चढ़ो शनिचर पथरिया गढ़ पे आजई खेलन चलो शिकार और चलित राजा पथरिया गढ़ को आजई बन के पिपने मजार पर पहुंचो महुबे की सरहद में बागनों लखा लो निहार और घेरो आई अनन ने बागो आगे के तुम सुनो हवाले और मछला रानी के सखियन संग देखत घूमत बाग बहारे झकोरा मारा झूला में
जैसे ही देखा तो एकदम से काम का बाण ज्वाला सिंह के हृदय में लगा, तब बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ा। तो मंत्री ने कहा कि राजन दिमाग सवाल के बात कर, जानते हो जिस गोरी के ऊपर तुम आशक्त हो वो कौन है? मंत्री बोला, अरे धोखे न रहियो, तुम कौन ताके मेरे वचन करो परिमान। अरे रानी मछला हेरे याला की जो शरता जमा हो बे क्या रे। असल के हरी पति है जाको ते बरबर तेरा मलिक खान। उदली नाहर घूमती हुए कौ में ठांस दिए तलवार। झूला झूला के हर पतिया में जो चलता जब पद्मिनी नारे। बांधी झोका दे रही बातों संग ही पीर उदय सिंगराए। और वो झोका होके न रही हो तुम बिजली के महुबे की ये पद्मिनी नारे। भक्तों जब ज्वाला सिंह ने सुना ये तो बहुत सुंदरी है, मंत्री से बोला याद रहे
जिस समय पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह मछला की सुंदरता पर मोहित हो गया और मंत्री से कहा कि चाहे उदल मलखान और आला मेरे सारे परिवार का विनाश कर दें, लेकिन इस सुंदरी के लिए और बिना लिए मैं यहां से नहीं लौटूंगा। आगे बढ़कर के बोला, अरे बोलो ज्वाला सिंह मंत्री से सुनियो भैया बात हमारे, और लागी बुरी होती है दिल की इस पर ना कोई अधिकार, अरे मोए परवा नहीं है या बजा की आग मेरी पथरी में लग जाए, बने गले को हार, मंत्री की बात नहीं मानी, ठीक उसी तरह मौत के मुंह में पड़े हुए इंसान को दवा काम नहीं करती, वैसा ही हाल ज्वाला सिंह का हो गया और एकदम से गए। अरे खुशी भैया ज्वाला सिंह को हो, अरे खुशी भैया ज्वाला सिंह को, घोड़ा पे तुरत भये असबार और एड़ लगाई गई घोड़ा पे फाटक कूद गए बापार, मछला बोली जब अपरिचित इंसान को अपने झूला के निकट देखा तो एकदम से उस सिंगनी ने जवाब दिया कि लौट पिछारे कही मछला अशियो परदेसी न रहा या गारी, देख के रूप तुम्हारो प्रिय मन मोही गयो है तुम पे भारी, राजी हमारी चलो कल के, राजी हमारी चलो करके चल के अब सोबो हमारी तारी, जवाब दियो ताको मछलार सिने न में जब ये ज्वाल पजारी, चना के धोखे में मिर्ची चबाने की कोशिश मत करो, जानते हो किससे बात कर रहे हो आप, जवाब बताइयो ताको मछला ऋषि ने नन में जब ज्वाल बचारी, बात समार करो पापी भई ना तो आई मौत तुम्हारी, होंगे उदल तेवर मुड़ लिए तेरो हाल उतारी,
सो खैर चाहो अपनी भज जाओ कहीं मैंने मान पिछारी। कहा अगर जीवन की खैरियत चाहते हो तो यहां से भाग जाओ, चिंता नहीं बचोगे। एकदम से ज्वाला सिंह ने कहा अच्छा हाँ, बिना फिक्र के ज्वाला बोले ना कुशमति हो बहुत सरकार, हे तुम्हारी चाहत में हम पागल और हमें तुम रही हो मार। जैसे ही देखा तो एकदम से मछला ने कहा शायद तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तुम होश में नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है इसलिए किससे बात कर रहे हो। के सिंगिन सी गरजी मछला सुन डांट दई ललकार करारी। बोल रही पढ़ के तो प्रथा दिख गई बुद्ध गई है मारी, देवर मेरे उद्देश्य पीर के लिए तेरो सी सयो तारी। तसो खैर चाहो अपनी भज जाओ कही मैंने मान पिछारी, अरे जा दिन चढ़ के गड़ पत्थरी पे घुसा दे बे वीर मलेखान। और सुनो मेरी बात, अरे जा दिन चढ़ के गड़ पत्थरी पे घुसा दे बे वीर मलेखान। गड़ पत्थरी ऐसे वो भूखे लंका जो फूकी रे हनुमान। और मछला ने जवाब दिया सुन ज्वाला सिंह, अरे बच्चा आशिक को मन टोले तूने कहां पे गमाई दो ज्ञान। ज्वाला बोले तब मछला से गोरी धन सुन ले अरज हमारे। मछला ने कहा तुम्हें पता नहीं है कुछ भी, जानते हो। जैसे ही मछला ने लंबी फटकार लगाई तब कहने लगा ज्वाला सिंह, मानी कही तो एक नहीं मेरी आखिर ठान लई तूने रार। ए जो पैदा हमर है जल सिंह से तो एक पत्थरी में ले बुलाए। ज्वाला सिंह ने सुनो महारानी, तुमने आखिर में रार ठानी ली, मेरी एक बात नहीं मानी और
तू जो हम पैदा है चला सिंह से तो पथरी में ले बुलवाए धरई बैठे तेरो डोला गोरी हम लिए देखी मंगवाए भी मेरा वादा है सुंदरी सुनो अरे रहे संग जातिन हम तेरे तब होई ठंडो जियरा हमारे या इतनी कही के ज्वाला चल दो तो घोड़ा देखी पाओ अशबार ज्वाला सिंह बाग से निकल करके उधर मछला ने अपनी सहेलियों से कहा और तन में मछला मन में मछला और मछला में बसते हैं प्राण और कौन समय आप धना लिए मछला लिए मोए गले लगाए को बाण लगो छाती पे मन ही मन ये सा हो न जाए ले सामग्री ज्वाला चले भाओ देवी की मठिया में पहुंचो जाए जब ज्वाला सिंह पथरीगढ़ की इष्ट देवी के मंदिर में पहुंचा और हाथ जोड़ करके पूजन करने लगा बोला अरे गिड़गिड़ाई के ज्वाला बोलो हो अरे गिड़गिड़ाई के ज्वाला बोलो मैया देव तुम्हें दर्शाए दया भवानी मोपे कर दो मोइने का मछला से देहु मिलाए छत्र चढ़ा दे आई और तुझा नारियल तो पे चढ़ा दे देवी हवन दिए कराए जब देवी प्रसन्न हो गई तो ज्वाला सिंह के कटाच भरी बाणी जब देवी ने सुनी तो ज्वाला सिंह को सावधान किया कि बेटा जरा दिमाग से बात करो तुम्हारे हृदय में जो पाप की बात है वो हमें अच्छी नहीं लगती और आपको मैं अच्छी तरह जानती हूं और मैया बोली अरे बिटिया के सम मछला मोकू हो बताई और पीर पितारो मछला खोले मेरे दिए हो सब लाए और सुन ज्वाला सिंह अरे चढ़ो सनी चर तेरी पथरी पे हो तो धूल धूल है जाए और पंख जमत है जब चीटी के तो मानो मौत गई अब आए और काम तुम्हारो ना हम करी है ना हक पाप हमें लग जाए और पंख जमत है जब चेटी के मानो मौत गई अब आए और बेटा महोबे वाले कि तू चाल पे परिचित नहीं है
क्योंकि वो बंदर जाती है, समझता है। और मैया बोली, अरे लेके पूरा जंगले में जबई पथरी में आग दिए लगवाए, और उनसे बढ़ के कोई नहीं है, बंदर जाति बना भर प्यारे। जैसे ही देखा, और ये भी ध्यान रखे ज्वाला सिंह कि मैं तुम्हारी इष्ट देवी जरूर हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी की पवित्र स्त्री के धर्म को हम दूषित करें। हमारे ये धर्म नहीं, केवल इतना कहना है। सुनो ज्वाला सिंह, अरे शानी हमारी की लाला नहीं, हर किज करिए न खोटे काम। दुश्मन पथरी पे चढ़िया बे हो, अरे दुश्मन पथरी पे चढ़िया बे तो ताको मेट दे हम नाम। और हमारी बात ये बेटा मानो, ए नहीं है सही ये काम। ज्वाला सिंह आंखों में आंसू भर करके बोला, मैया ये तो एक एक पल बरसों के समान कट रहा है, लेकिन बात रक्षा की करती हो तो सुनो कि रक्षा पथरी की जब करियो, मेरी जाति आज ही जान। नाई करे के मछला रानी, जाको पाप तुम्हें लग जाए। देर न करियो जगदम्बा ने, मोए मछला से दियो मिलाए। और मैया सुनो, मैं क्या क्या करूंगा। अरे पहलो पुत्र जनेगी मछलाता है तो पे भेट दिए करवाए। और कहा मैया सुने, मन में मछला के तन मेरे मछला, कंचन कलश तो पे देंगे चढ़ाए। अरे पलंग मंगाए थे तू मछला को, देवी सदम तो देव मंगवा। अरे टेढ़े दिन है जब ये नरके, ऊंचो थालो नहीं दिखाए। अरे टेढ़े दिन है पातो जो लागे, पाने देवी लिए मना। हुकम तो दे दो जगदम्बा ने, अपने पीरन लए बुलाए। अरे हुकम तो दे दो जगदम्बा ने, अपने पीर तो लए बुलाए। मछला शोभित पलंग तो लेके महुबे से लो बुलाए।
रखना भक्तों, जब ज्वाला सिंह माता की योग शक्ति से मछला को और पथरीगढ़ में बुला लेता है, जब मछला पलिंके सहित और सोती हुई पथरीगढ़ में योग शक्ति द्वारा आ गई, तो जब ज्वाला सिंह जाकर के मछला के पलिंग के पास और एकदम से बोला, अरे कैसी सोबो सुकन दिया, मैं तो आंखें खोल दे ओ दिलदार, और हाजिर ठाड़ो खाद मत तेरो ज्वाला ताबेदार रहे और अकली सो ही रही तो पलका पे हम को संग गई ले होशवाय, और डालो गर्दन में गलवैया हो, कान भनक मछला के पर गई एकदम उठी भरोरा खाए, अरे क्यों रे पापी ओ हत्यारे मोइना हक में तयो जगाई, और ख्वाब समझ के रानी मछला फिर से सोए गई पैर पसार, मछला सोच रही है शायद कोई नींद में ख्वाब आ गया और ये ज्वाला मुझे दिन में दिखता रहा इसलिए वही पुनः सपने में आ गया, लेकिन मछला नहीं जानती कि ज्वाला सिंह के यहाँ कैद में है। जैसे ही देखा, अरे सोबती मछला है महलन में हो, मछला मेलन कैसे पापी पहुंचो आए, अरे हाथ पकड़ लाओ ज्वाला सिंह ने जग जाओ प्रिय मछल दे नारी, और ज्वाला बोले हैं मछला से मेरे बने गले को हार, से हो, अरे ज्वाला बोले मछला बत से गोरीधर ध्यान सुनो चित लाए, और रहबो हुई है अब पथरी में महबो तुम्हें मिलबे को नाए, तुम्हारे मैं दीवाने हो,
दियो माफ कराए। पर रानी बोली तब महुबे की हो, रानी बोली तब महुबे की सुनियो पथरी के सरदार, और काल तिहारो अपना बचनो तुम पे रूठ गयो करतार। और अरे उदल ते भर इस दम चढ़ के हो, अरे उदल ते भर इस दम चढ़ के पथरी पर दिए तोप लगाए, और पपर सिर पो सिर सा पालो जाको कटो न सो नहीं जाए। अरे असल के हरी पति है मेरो हो, अरे असल के हरी पति है मेरो देवर बबर सिर मल खान, और चार दिन चढ़ के तेरी पथरी पे घूसा दे बे पीर मल खाना। अरे चार दिन चढ़ के तेरी पथरी पे घूसा दे बे पीर मल खाना, और जनवर चाहते तो कटवाए दे पथरी गरत दे बे करवाए। ज्वाला सिंह बोला, मछला जब तू नाराज भी होती है ना तो तू देखने में बड़ी सुंदर लगती है, शायद इस बात को तू नहीं जानती। तो और क्या हुआ कि नाहक नारी अनारी बनी मकराबत में नहीं नेक ये डरती। कौन को चोर बता ही रही कुछ ख्याल न तू दिल में धरती है। और ज्वाला कहे लिपटाई गले अब पीर मेरी ना तू हरती है। जब इतना कहा तो एकदम से मछला बोली ज्वाला सिंह, काम कर रहे तू कमीनन के बन शूर हमें धमकाई रहो है, डर चला ले पूछने में और उठे यहाँ चमकाई रहो है। और मछला ने कहा ज्वाला सिंह सुन, अगर तू मर्द है तो एक मेरी बात सुन, जो तू बने सो वीर बली और महुबे गढ़ क्यों ना जाई रहो है, और लता कहे अपने कुल को तू दाग तू करमी लगाई रहो है।
जो तू हमें महोबे की धौंस देती है, बार बार दे रही है, तो एक बात मेरी याद रख। क्या? सूर शबी महोबे के जुड़े करी जंग हराऊ न में घबराऊ, वीर तेरे मलिखा नहीं होते सिंह काट के सी समय भूमि की राऊ। जब इतना कहा वो देख ले पीछे हम जो तो से कहे लिपटाई गले और पढ़े जिया से हुक्म बुझा। मछला समझ गई के अब नहीं मानेगा। अरे मछला सोच के लला अब मन में कैसे धर्म बच्चे बनाए करके कोई अब चाला की अपनों लिए ईमान बचाए। समझाने लगी है लेकिन उधर महोबे में क्या होता है। दिबला मैया जैसे ही देखने लगी तो मछला नजर नहीं आई तो एकदम से बिलकने लगी। और दिबला बिलखे सतखंडा पे कहूं मछला अब पड़े न दिखाए कौन से कोने ढूंढती है जाने कोई ले गौ चुराए। अरे खबर फैल गई अरे महोबे में हो रही रंज में छाए गए आला रोबे उदल रोबे इंदल रोबे है सुकुमार। अरे ना
छोराए। सुनो पड़े अंधियार सोई हिलकी बंध गई रे बेटा की ने नन बहत नीर की धार। आज मछला के वियोग में पूरा परिवार रंज में डूबा हुआ है। आला उदल भी रो रहे थे, जब आला को रोते हुए देखा तो ताला सैयद ने आकर के कहा, बेटा अरे रो मत देखो जब आला को हो, अरे रो मत देखो जब आला को, तब ही ताला कही सुनाई और कोई के काज चूर तेरी अनके आज दूर रहे पहाड़। अरे मछला जिंदा जो धरती पे राखे कौन उसे फिल्माए, मारे देगा तलवार के घर को ढेर दिए करवाए। रंज में देखा तो ताला सैयद ने ब्रह्म ज्योतिष के ज्ञानी ठेवा को बुलाया और कहा, बेटा पत्र खोल करके देखो इस वक्त मछला कहां है। तो बोले अरे साता हाथ को पत्र लेके हो, चाहते हैं अरे पामन गढ़ के जितने राजा हो, अरे पामन गढ़ के जितने राजा शुभ से कर रहे मौज बहार। और लगिए पथरी गढ़ में देखो वहां तो रहो सनी चरखा, गुजार खाए जगदम्मा देवी के बल से बाने मछला लही चुराए। आज जब इंदल ने सुना कि मैया ज्वाला सिंह की कैद में है तो एकदम से इंदल बोले, अरे हिलकी बंद गई धीरे बेटा की और जलक कोर रे कोर हुई जाए, आए गई रे आजो मछला की धरती से मुड़ दयो है मारे। Thank you.
जब भेबा ने देखा तो कहा कि बेटा रो मत, ये वक्त रोने का नहीं, मछला को कैद में से छुड़ाने का है। और आप हम योगी बनकर के चलें और सारी पथरी का गुप्त रूप से भेद लें, फिर पथरी गढ़ के ऊपर तोप लगाएं, तो एकदम से इंदल बोले कि चाचा सुनो, अरे कुमार इंदल सिंह तब ही बोले चाचा अकल गई का बोरा, छत्री कुल में हम जन्म में है कामति काट दई करता रे। ढेबा ने पूछा इंदल क्या कहा तुमने, अरे सुअपनखिनी बाकी पिटिया तासंग अब हमारे ले डलवाए, तू रबीर नाही है पोतो जोगी मेरी बने बलाए। चाचा जी मैं जोगी नहीं बन सकता, मैं अभी चल के जाऊंगा। एकदम से ढेबा ने कहा नहीं, तब जवाब दिया नहीं के इंदल जवाब दियो बड़ी के मेरी बात सुनो रड़ धीरथ रैया, कैद छुड़ाई लिए जे तो चुआ दी है रहा तो कर रैया, और चाचा जी धीर धरो मन में ए बंस बना फर पेली बढ़िया, अरे एक न मानी लल्ला इंदल ने कूद के घोड़ा पे भयो सवार, अरे कूद के घिया पे लला चढ़ी पे ठो पथरी की कूच दई करवाए, अरे भरी कचेरी ज्वाला सिंह की
ही पहुंचो सिंह महोबिया क्यार। अरे बीच बोला में ठाड़ो ही गौ के नापी बंस बना फरराए। तेरी बिटिया को जबरन साथ लिए डरवाए। अरे सुआ पंखनी तेरी बिटिया तासंग हमारे लिए डलवाए। अरे मनसा तेरी के शादी करने की तो मैंने से खींच ले ओ तलवार। मनसा नाए तेरी शादी की तो मैंने से खींच ले ओ तलवार। अब तो ले बे मैया की खबर लला पथरी में आए गौ